बार और मैं भी बार आप यहाँ पे सबके का एक रिबन बटन पर उसके अंदर सात टैग उपस्थित हो गए। अपने खुद का भी इसके अंदर टैग बना सकते, अपने खुद के नाम का भी बना सकते हो, किसी अन्य नाम का भी बना सकते हो, या फिर इसी के अंदर कुछ और भी छोड़ सकते हो। जैसे डेटा एंट्री करते हैं तो डेटा एंट्री क्या होता है कि इसी के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शन लाने पड़ेंगे जो कि अपने अनुसार अपन बनाते हैं। अब सबसे पहले आपके यहाँ पे ये हमारा बोला जाता है नेम बॉक्स, जो कि अपने अनुसार यहाँ से कोई भी नेम ले लो। उसके बाद ये बोला जाता है इंसर्ट फंक्शन, यानी कि कोई भी फॉर्मूला इंसर्ट करना तो यहाँ से आपका फॉर्मूला इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद ये बोला जाता है आपका फॉर्मूला बार, जो कि इसके अंदर फॉर्मूला आपको दिखेगा और यहाँ पे आप उसके बाद यहाँ ये पूरा आपका कहलाता है ब्लैंक पेज या वर्क एरिया, या फिर आपको इसको बोलते हैं सीट या सेल। ये वर्क सीट भी बोल सकते हैं, स्क्रीन एक्सेल की स्क्रीन सीट भी बोलते हैं, और इसे हम वर्क एरिया भी बोलते हैं, और एक्सेल भी हम बोल सकते हैं अपने अलग जगह अलग अलग अपने अनुसार। अब सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात ये रहती है कि इसके अंदर कॉलम और रो की संख्या कितनी, तो मेरे को अभी पता है नहीं, तो आपको सीधे जाकर यहाँ पे जाना और यहाँ पे जाकर एक बार क्लिक करके रखना तो ऊपर संख्या लिखी हुई आ रही है। रो की संख्या 10,48,576 और कॉलम की संख्या 16,384 जो कि आपको इस प्रकार यानी कि सिंपल तरीके से पता कर सकते हैं इसके अंदर कितने कॉलम है कितने रो। लेकिन ध्यान देना, अगर आप इसके अंदर 10,00,000 आप डेटा इसके अंदर भर, यानी 10,00,000 रो के अंदर डेटा भर देते हो, तब आपका ये एक्सेल काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारे पास लाइसेंस दिया हुआ नहीं। अगर लाइसेंस होता तो आप चाहे कितना भी डेटा डालो आप इसके अंदर एक्सेप्ट कर सकते। अब आपको पता है कि मेरे को इसके अंदर 5,00,000 आपने डेटा डाला और आपको बोला गया कि अगर इसके अंदर 6,00,000 डाल दिया तो ये एक्सपायर हो गया, यानी कि आपका लॉस हो सकता है। तब आपको यहाँ से सीट चेंज कर, सीट को क्या कर देना है चेंज कर, लेकिन एक्सेल तो वही रहेगा कैसे नहीं। आप सीट जैसे ही चेंज करेंगे तो अपने आप यहाँ पे एक और न्यू टैब आएगा। कैसे आएगा? सीट नंबर 1, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, जितनी भी आपके सीटें चाहिए उतनी बार आप क्लिक करते रहो और अपने आप सीटें यहाँ पे आ गई। जितनी भी आपको चाहिए उतनी आप ला सकते, टैब आपको जितना भी चाहिए इस तरह, जैसे ये सीट नंबर कितने चाहिए आपको आप ले आओ, सिंपल तरीके से आप ला सकते। लेकिन अब ध्यान ये रखना कि जितनी भी सीट लाइन सभी के अंदर सेम रो और कॉलम की संख्या होगी, चाहे किसी के अंदर सभी के अंदर क्या हो जाएगी सेम रो और कॉलम की संख्या, इसमें जो आपको ये भी चाहिए आपको कहलाता है कॉलम या फिर इसे सेल बोलते हैं, कॉलम या सेल, और इसे हम पूरी को बोलते हैं रो, या फिर पूरी कहलाती रो और एक एक कहलाते हैं आपके कॉलम। ऊपर से नीचे जाओ चाहे इधर से उधर जाओ आपके अनुसार क्या रहेंगे सेल या कॉलम, लेकिन आपका ये पूरा क्या कहलाएगा रो। अब मेरे को पता है कि रो की संख्या 10,48,576 कैसे पता चलेगा देखिए। तब आपको क्या करना है यहाँ पे क्लिक करना है और कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल के साथ डाउन एरो, डाउन एरो यानी कि नीचे वाले एरो को आप क्लिक करना। जैसे मैं डाउन एरो करता हूँ ध्यान से देखेंगे तो आपको 10,48,576 संख्या आ रही है। अब वापस मैं अप एरो करता हूँ तो फर्स्ट पे डाउन 10,00,000। अब आपको बोला जाता है कि मेरे को 16,384 कॉलम पे जाना, सेम कंट्रोल दबा के रखो और राइट एरो दबा के। जैसे मैं राइट एरो दबाऊंगा यहाँ पे देखो नाम लिखा हुआ है एक्स एफ डी, यहाँ पे संख्या लिखी हुई आपको नहीं देखी नहीं देगी क्योंकि इसके अंदर नाम दिया है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है संख्या दी हुई, फर्क क्या है इसमें नाम है और इसमें संख्या। अब आपको बोला जाता है कि 16,384 कॉलम का नेम आपको डालना है एक्स एफ डी और इसके बाद जैसे आप इसके पीछे जाएंगे यहाँ से आपको कोई कॉलम देखने को नहीं मिलेगा, कोई कॉलम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि लास्ट यही आपका टॉपिक रहता है। और ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर जितना भी डेटा भरे वो डेटा कभी भी इसके अंदर पूरा नहीं भर सकते, बिना लाइसेंस के तो भर सकते।